फ्रेंड्स, माय नेम इज पायल जाकर। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 15.1 का, क्लास 10th का, चैप्टर नंबर 50, प्रोबेबिलिटी। आइए स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। सो आपको बताना है कि जो ये चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं है। सो कैसे बताएंगे, ये देखिए, हमारा प्रोबेबिलिटी क्या होता है। प्रोबेबिलिटी होता है हमारा इसमें कुछ मिस स्टेप्स होते हैं जिनको हम फॉलो करके इनको बता सकते हैं। फर्स्ट स्टेप होगा हमारा कि 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ओके, 0 से कम नहीं होना चाहिए और नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो वो क्या होगा हमारा, प्रोबेबिलिटी होगा, ओके। ना तो एक से ज्यादा होना चाहिए, ना 0 से कम होना चाहिए, ना नेगेटिव होना चाहिए। सो इनमें से देखिए, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कुछ ऐसा आएगा 0.6, ओके, 0.6 में आएगा। तो ये तो 1 से छोटा है और 0 से कम है, मींस ऐसे करना है कि 1 से तो छोटा ही है ना, इसलिए 0.6 आ रहा तो 1 से छोटा है, अगर 1.6 आता तो ये नहीं होता। तो ये प्रोबेबिलिटी है। अब देखिए, माइनस का 1.5 आ रहा, तो माइनस का 1 ना तो नेगेटिव होना चाहिए, ना 1 से ज्यादा होना चाहिए, तो 1 से ज्यादा है और नेगेटिव भी है, तो ये वाला प्रोबेबिलिटी हमारा नहीं है। नेक्स्ट देखिए, जब आप इसको मींस 100 से डिवाइड करोगे तो इसका आ जाएगा कुछ पॉइंट में 0.15। तो ये क्या है, 1 से ज्यादा नहीं है, 1 से छोटा है ना, इसलिए ये भी हमारा प्रोबेबिलिटी है। डी पार्ट देखिए हमारा 0.7, ये ऑलरेडी पॉइंट के बाद 7 लगा हुआ है, ओके, तो ये वाला प्रोबेबिलिटी हमारा है, ओके। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 15.1। थैंक्स।